हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर असाइनमेंट वीडियो ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, क्लास 12th. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हेन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज़ यूज टू इल्यूमिनेट अ मेटालिक सरफेस, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ वी. व्हेन द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 3 लैम्डा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ वी अपॉन 4. इफ़ द थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटालिक सरफेस इज एन लैम्डा, देन द वैल्यू ऑफ एन विल बी. मीन्स आपने एक मेटेलिक सरफेस को रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, जब उसके साथ इल्यूमिनेट किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी था, और जब आपने वेवलेंथ चेंज कर दी 3 लैम्डा कर दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी बाय 4 हो गया. तो उन्होंने बोला कि थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ जो है वो एन लैम्डा है उस सरफेस के लिए, तो वहाँ पर एन जो है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. तो बेटा आप सबको पता है अगर वेवलेंथ लैम्डा है आपकी और वह फंक्शन फाई नॉट ले लिया मैंने, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका वी है. क्लियर हो गया? तो उसके इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आपकी वेवलेंथ क्या है बेटा, लैम्डा है. वेवलेंथ क्या है आपकी? लैम्डा. और आपका वर्ब फंक्शन है फाई नॉट, तब आपका पोटेंशियल जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज़ वी. तो उसके लिए आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? आप सबने आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ी है, वो क्या हो जाती है? एच, आप सबने पढ़ा है, एच न्यू माइनस क्या आ जाएगा आपका वर्ब फंक्शन इज इक्वल टू ई वी. क्लियर? और न्यू की जगह पे आप सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं. माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू ई वी, ये इक्वेशन सबको पता है, ये लैम्डा के लिए है. क्लियर? ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई. अब सेकंड, वेवलेंथ चेंज हो गई. तो बेटा इसी इक्वेशन में अगर मैं वेवलेंथ चेंज कर दूँ, क्या लिख दूँ? एच सी अपॉन लैम्डा कितना हो गया है? 3 लैम्डा माइनस फाई नॉट, वर्क फंक्शन तो यही रहेगा, इज इक्वल टू. अब पोटेंशियल कितना हो गया? ई तो ऐसे ही रहेगा. वी कितना हो गया? वी बाय 4. तो ये मेरी इक्वेशन क्या आ गई? सेकंड आ गई. सेकंड इक्वेशन को या फिर बेटा आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दीजिए इस सेकंड इक्वेशन को 3 के साथ. तो जब आप इस मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को 3 के साथ, तो देखिए मैं इधर ही कर रही हूँ, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया. ठीक है? तो ये 3 और 3 क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट. तो क्या बन जाएगा आपका? एच सी अपॉन लैम्डा माइनस 3 फाई नॉट इज इक्वल टू 3 ई वी अपॉन 4. क्लियर? आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से. तो जब बेटा आप माइनस करेंगे इस इक्वेशन को इससे, तो जब आप माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों. ठीक है? तो क्या आ जाएगा आपका? ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एच सी अपॉन लैम्डा. तो आपका क्या बन जाएगा? माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 3 फाई नॉट, माइनस माइनस प्लस फाई नॉट इज इक्वल टू 3 ई वी अपॉन 4 माइनस ई वी. क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा आपका? माइनस 2 फाई नॉट इज इक्वल टू, ये कितना बन जाएगा? माइनस 1 ई वी अपॉन 4. क्लियर? तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो बेटा आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से आप ई वी की वैल्यू निकाल सकते हैं. ई वी आपका कितना आ जाएगा? 4 टू जा 8 फाई नॉट. क्लियर हो गया? बस बेटा आप ये वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, ई वी की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, ई वी की वैल्यू. तो क्या आ जाएगी आपकी? एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाई नॉट इज इक्वल टू ई वी की जगह पे 8 फाई नॉट. तो एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, फाई नॉट उधर चला जाएगा तो 9 फाई नॉट हो जाएगा. क्लियर हो गया? क्या आ जाएगा? 9 फाई नॉट. और फाई नॉट क्या होता है बेटा? एच, इसको भी लिख सकते हैं एच न्यू नॉट होता है ये. तो ये बन जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा नॉट. क्लियर हो गया? ठीक है? वेयर लैम्डा नॉट क्या है आपकी? थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ है. क्लियर हो गया? लैम्डा नॉट क्या है आपकी? थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ. तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा आपका? आपका एच सी कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 अपॉन लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा? 9 अपॉन लैम्डा नॉट के. तो विच इम्प्लाइज आपका लैम्डा नॉट किसके बराबर आ जाएगा? 9 लैम्डा के. तो यही निकालनी थी उन्होंने, थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ जो है वो किसके बराबर आ रही है? 9 लैम्डा के. तो उन्होंने लिखा है एन लैम्डा, तो एन लैम्डा से कंपेयर करें, उन्होंने बोला लैम्डा नॉट एन लैम्डा है. तो बेटा जब आप दोनों को इक्वेशन करेंगे तो एन कम्स आउट टू बी योर 9. क्लियर हो गया? सेकंड क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल इज मूविंग 5 टाइम्स एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन, द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो एक पार्टिकल है जो 5 टाइम्स फास्टर ट्रेवल कर रहा है एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन. क्लियर हो गया? तो बेटा आप सबको पता है, आपने यहाँ पे किसकी रेशियो निकाली है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ की. तो लैम्डा जो होता है बेटा किसके बराबर होता है? एच अपॉन पी के. बट यहाँ पे पी नहीं दिया, यहाँ पे वेलोसिटी की टर्म्स में दिया है, तो मोमेंटम होता है एम वी. तो बेटा आपको उन्होंने बोला लैम्डा पार्टिकल अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन निकालना है आपने, और ये रेशियो आपको दी हुई है कितनी? 1.878 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4. ठीक है? तो आपको मास निकालना है किसका? पार्टिकल का.
क्लियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो आपको पता होता है। तो बेटा लगा लीजिए फॉर्मूला, लैम्डा पार्टिकल क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन को यूज़ करें, लैम्डा पार्टिकल क्या आ जाएगा, एच अपॉन एम पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अपॉन, क्लियर, लैम्डा इलेक्ट्रॉन, एच तो एच ही रहेगा, एम ई वी ई, तो एच एच क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब एच एच कैंसिल आउट हो गए तो एम ई वी ई तो ऊपर चला जाएगा, एम ई वी ई अपॉन एम पी वी पी ये बन जाएगा। और बेटा ये आपको गिवन दिया है, कितना है, 1.878 × 10⁻⁴, क्लियर हो गया। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, डाल दीजिए वैल्यूज़, क्या आ जाएगा आपका मास ऑफ, आपको क्या निकालना है, मास ऑफ पार्टिकल एम पी निकालना है आपको, क्लियर। तो एम पी को उस साइड ले जाइए, एम पी किसके बराबर आ जाएगा, एम पी इज इक्वल टू ये बन जाएगा एम ई वी ई अपॉन वी पी इंटू 1.878 × 10⁻⁴, विच इम्प्लाइज एम पी इज इक्वल टू एम ई, एम ई कितना होता है, डाल दीजिए वैल्यू, एम ई कितना है आपका, चलिए पहले ऐसे रहने दीजिए, एम ई वी ई वी ई अपॉन, बेटा वी पी उन्होंने बोला है पार्टिकल जो है वो 5 times स्ट्रॉन्ग, मतलब फास्टर मूव कर रहा है, मतलब वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से 5 times ज़्यादा है, क्लियर। तो इसका मतलब हम वी पी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 5VE लिख सकते हैं, इंटू 1.878 × 10⁻⁴, तो वी ई वी ई कैंसिल हो जाएंगे। अब आप सारी वैल्यूज डाल दीजिए, एम पी इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻³⁰ अपॉन 5 × 1.878 × 10⁻⁴। तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, योर एम पी मास ऑफ पार्टिकल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा समथिंग लाइक 9.7 × 10⁻²⁸ kg, तो 9.7 × 10⁻²⁸ kg सी वाट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हेन द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन अ मेटल इज चेंज्ड फ्रॉम 500 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर, तो वेवलेंथ चेंज हो रही है, पहले 500 थी, फिर 200 हो गई, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स बिकम 3 times लार्जर, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3 times बढ़ गई है, जब वेवलेंथ चेंज हुई तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो बढ़ गई 3 times, तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज क्लोज टू, तो आपको बताना है जो वर्क फंक्शन है मेटल का वो किसके क्लोज होगा, क्लियर। तो मीन्स वेवलेंथ चेंज हो रही है कहाँ से कहाँ, 500 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर के। तो बेटा आप सबको पता है आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग, आप सबको पता है जो काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर होती है, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाई नॉट, पढ़ाई क्लियर। तो अब आपको यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, और बेटा अगर आप एच सी की वैल्यू निकालें, एच की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट सबको पता है 6.6 × 10⁻³⁴, और सी की वैल्यू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब आप इस एच सी की वैल्यू निकालते हैं बेटा, जब इनको मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू निकालेंगे, तो वो कुछ 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन नैनोमीटर में आता है, क्लियर हो गया। और फाइन नॉट क्या है आपका, वर्क फंक्शन है। तो अब देखिए बेटा, तो इसका मतलब हमारा के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के जो है आपका वो कितना आ जाएगा, एच सी की जगह पे तो मैंने क्या लिख दिया, 1240, ठीक है, अपॉन लैम्डा। अब लैम्डा कितना है जो यहाँ पे 500 नैनोमीटर, ठीक है, माइनस फाइव नॉट ऐसे ही रहने दिया, ये फर्स्ट केस आ गया। सेकंड में उन्होंने बोला जब वेवलेंथ चेंज हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 3 times के हो गई है, जब वेवलेंथ कितनी हो गई आपकी, 200 बन गई है, माइनस फाइव नॉट, क्लियर हो गया। दोनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए बेटा, इसमें के की वैल्यू डाल दीजिए तो क्या आ जाएगा, और 3 इस के की वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए तो कितनी है, 1240 अपॉन 500 माइनस 5 इज इक्वल टू 1240 अपॉन 200 माइनस 5 नॉट, क्लियर। तो डाल करें इसको कैलकुलेट, क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 3 × 1240 अपॉन 500 माइनस 350 इज इक्वल टू 1240 अपॉन 200 माइनस 50, क्लियर हो गया। तो 350 को जब उस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस 350 तो माइनस भी है, तो ये बन जाएगा 250 इज इक्वल टू 3 × 1240 अपॉन 500, और इस टर्म को जब दूसरी साइड लेके जाओगे तो वो माइनस की हो जाएगी, क्लियर हो गया। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 250 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये मैंने 1240 जो है अपॉन 100 कॉमन ले लिया है, तो अगर 100 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 3/5 और यहाँ पे बचेगा 1/2, क्लियर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1240 अपॉन 100, तो ये क्या आ जाएगा आपका, 1/10, क्लियर।
तो 1/10 आ गई, ये 2 phi naught आ गई, तो phi naught किसके बराबर आ जाएगी, 2 भी नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा 1240/2 × 1000। तो 1 0 1 0 कैंसिल, आप कर सकते हैं इसको, 2 6 12, 2 2 4, तो ये कितना बन जाएगा आपका 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका phi naught कितना आ रहा है, 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डी पार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर, क्योंकि ये आसपास ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, टू सोर्सेज ऑफ लाइट एमिट एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ 1 नैनोमीटर एंड विजिबल लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। दो सोर्सेज हैं जो, एक तो एक्स रेज एमिट कर रही है, एक विजिबल लाइट एमिट कर रही है, दोनों की वेवलेंथ दी है। बोथ द सोर्सेज एमिट लाइट ऑफ सेम पावर, पावर जो है दोनों की वो सेम है। तो रेशियो ऑफ द नंबर डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स ऑफ एक्स रेज टू द नंबर डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स ऑफ द विजिबल लाइट ऑफ द गिवन वेवलेंथ, आपको नंबर रेशियो निकालनी है कि कितनी डेंसिटी फोटॉन्स एक्स रेज के फोटॉन्स की है और कितनी डेंसिटी विजिबल लाइट के फोटॉन्स की है। तो बेटा आप सबको पता है जो पावर होती है वो किसके बराबर होती है, एनर्जी अपॉन टाइम, क्लियर। और एनर्जी जो होती है वो क्या है, एनर्जी टोटल एनर्जी कितनी एमिट हुई वो होती है नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने फोटॉन्स हैं, इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। अगर एक फोटॉन की एनर्जी हमें पता है, ठीक है, तो उसको नंबर ऑफ फोटॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो टोटल एनर्जी बन जाती है, अपॉन टाइम तो है ही, क्लियर हो गया। तो ये क्या बन गया, नंबर ऑफ फोटॉन्स अपॉन टाइम, ये बन गया मेरा नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, तो ऐसे ही रहेगा एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, क्लियर। तो नंबर डेंसिटी को हम एन लिख सकते हैं, तो एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है, एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो ये मेरा पावर का फॉर्मूला बन गया, एन इंटू एच सी अपॉन लैम्डा, या आपको पता है एन एन टाइम्स ई होता है, ये पावर किसके बराबर होती है, एन टाइम्स ई, क्लियर। पावर किसके बराबर होती है, एन टाइम्स ई, ठीक है। तो यहाँ से अब आप निकाल लीजिए, आपको क्या निकालनी है, नंबर डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स पी एक्स रेज, उन्होंने बोला पावर दोनों केस में क्या है, सेम है, तो इसका मतलब P जो एक्स रेज की है वो इक्वल है पावर किसकी, विजिबल लाइट की, दोनों पावर क्या है, ये सेम है। तो बेटा वैल्यूज डाल दीजिए, पावर का फॉर्मूला भी हमने निकाला, N N किसके आ गई है, एक्स रेज के, एच सी अपॉन लैम्डा भी किसकी आएगी, एक्स रेज की, इज इक्वल टू N किसकी आ गई, विजिबल लाइट की, और ये बन जाएगी एच सी, तो ऐसे ही रहेगा लैम्डा विजिबल लाइट की, क्लियर हो गया। तो ये तो एच सी एच सी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एन एक्स अपॉन लैम्डा एक्स इज इक्वल टू एन वी अपॉन लैम्डा वी। आपको निकालना क्या है, आपको दोनों की रेशियो निकालनी है, एन एक्स अपॉन एन वी निकालना है आपको, तो लैम्डा एक्स उधर चला जाएगा, लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वी। अब दोनों की वेवलेंथ आपको दी हुई है, सॉरी एन एक्स अपॉन एन वी नीचे आएगा, तो लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वी, ठीक है। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, निकाल लीजिए इसको, एन एक्स अपॉन एन वी इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, एक्स रेज की वेवलेंथ कितनी दी है 1 नैनोमीटर और विजिबल लाइट की कितनी दी है 500 नैनोमीटर, तो ये 1/500 आ जाएगा, डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। क्योंकि उन्होंने वेवलेंथ किसकी पूछी है, एक्स रेशियो ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ एक्स रेज की ऊपर रखनी है, टू द डेंसिटी पूछा है, तो विजिबल लाइट की नीचे रखनी है आपने, ठीक है बेटा। इनका ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए ये और ये दोनों हैं, ठीक है। तो अगर आप एन वी को ऊपर रखेंगे अपॉन एन एक्स करेंगे तो फिर 500 आएगा, क्लियर। बट उन्होंने आपको विजिबल लाइट टू द एक्स रेज नहीं पूछी है, एक्स रेज टू द विजिबल लाइट पूछी है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन बेटा आपका, अ सरफेस ऑफ मेटल इज इल्यूमिनेटेड अल्टरनेटली विद फोटॉन्स ऑफ एनर्जीज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जीज के साथ आप सरफेस को इल्यूमिनेट किया जा रहा है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड्स ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन टू केसेस इज 2। तो दोनों की जो मैक्सिमम स्पीड की रेशियो है वो आपको कितनी दी है, 2 दी है। तो आपको बताना है जो वर्क फंक्शन होगा मेटल का इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो किसके बराबर होगा, क्लियर। बेटा आपको पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है, एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाई अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, क्लियर। तो केस वन के लिए बेटा आपको उन्होंने क्या बोला है, एनर्जी एनर्जी जो है उसको मैंने, काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, तो वेलोसिटी मैंने वी वन का स्क्वायर ले ली है, वो किसके बराबर आ जाएगी, एनर्जी आपको ये पूरी एनर्जी, ये पूरी एच सी अपॉन लैम्डा आपको दी है कितनी, 4, तो 4 - 5 आ जाएगा, क्लियर। तो सेकेंड केस में मास फिर से एनर्जी हाफ एम वी टू स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, अब एनर्जी कितनी दी है, 2.5 - 5, क्लियर हो गया।
और आपको उन्होंने बोला रेशियो जो है मैक्सिमम स्पीड की फोटो इलेक्ट्रॉन्स के V1/V2 दोनों की रेशियो आपको दी है 2 के बराबर। क्लियर हो गया? तो बस बेटा आप इक्वेट कर लीजिए इनको फ्रॉम इक्वेशंस। इसको अगर मैंने फर्स्ट माना है, इसको मैंने सेकंड माना है, तो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा बेटा आपका? डिवाइड कर दीजिए इन दोनों को। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो वी गेट हमें क्या मिल जाएगा? 1/2 1/2 mm कैंसिल हो जाएंगे, बन जाएगा V1² / V2² इज इक्वल टू 4 - 5/2.5 - 5। क्लियर हो गया? तो ये जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं V1/V2² इज इक्वल टू 4 - 5/2.5 - 5, और V1/V2² आपको दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो 4 इज इक्वल टू 4 - 5/2.5 - 5। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? ये 10 बन जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे आएगा ना, ये 4 * 2.5 - 5 और उस साइड क्या रहेगा? 4 - 5। तो ये कितना बन जाएगा? 10 - 4, 5 इज इक्वल टू 4 - 5। क्लियर? तो 10 - 4 इधर आ जाएगा और -5 था उधर, तो +4, 4, 5 उधर चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 3, 5 इज इक्वल टू 6, तो 5 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका जो वर्क फंक्शन होगा मेटल का वो कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोला है तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। क्लियर हो गया? क्योंकि सारी एनर्जीज आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दी हैं। क्लियर?